वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड आराम से देखना, एंजॉय करना, क्योंकि गाइस आज के एपिसोड का नाम मैंने रखा हूँ वी आर इन द एंड गेम्स। क्योंकि गाइस जस्ट हिट एंड रन है, पठान बस यहाँ इतने मार्जिन पे है टू हिट एंड स्मैश ऑल द रिकॉर्ड्स पॉसिबल। एंड जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वो एक के बाद एक फिल्म को हिट रन करते करते आगे बढ़ते जाएगा इन द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग्स फॉर एनी हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आउटराइट हिंदी फिल्म है, दिस इज नॉट अ डब्ड हिंदी फिल्म। केजीएफ चैप्टर 2 एंड बाहुबली 2 डब्ड फिल्म्स थे। आज का एपिसोड ध्यान से देखना, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस पीवीआर ने ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया है कि उसने अभी तक 1,00,000 टिकट्स बेची है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट डे, ध्यान से सुनो, ओपनिंग डे के लिए नहीं, यानी कि ऑल एडवांस बुकिंग में यू पीवीआर में 1,00,000 टिकट्स पठान की बिक चुकी है। ये लोगों ने दोपहर में पोस्टर रिलीज किया था, अब तक तो और भागा होगा। लेकिन पीवीआर में फर्स्ट डे की ये जो मैं नंबर्स डेली हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं दूसरा दिन तीसरा दिन ये वी आर नॉट डिस्कसिंग, तो ये बहुत क्लियर रहना जरूरी है ऑडियंस के माइंड में कि एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन था कि मैं टोटल एडवांस बुकिंग कुछ बता रहा हूँ, पीवीआर आरक्षण सिनेपोलिस क्या बता रहा हूँ, तो ये डिफरेंस है। वी आर डिस्कसिंग डे वन, इसलिए थंबनेल्स पर डे वन लिखा रहा है, हमेशा रहेगा। सो पीवीआर ने पहले दिन शाम के 6 बजे तक 75,500 टिकट जो है वो सोल्ड कर दिए। ओके, जस्ट पीवीआर डे नंबर वन। बात करूं गाइस यहां पर आईनॉक्स की 60,500 टिकट्स है एंड सिनेपोलिस में 35,500, यानी कि टोटल पहले दिन के जो टिकट्स है यहां पर पठान ने बेचे हैं वो है 1,71,500, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डे के टिकट नंबर्स है। तो बहुत लोगों को यहाँ पर डाउट था कि ये ओपनिंग डे के नंबर नहीं है, पूरे नंबर्स है, नहीं, दीज आर ओपनिंग डे नंबर्स। एंड गाइस अब बात करें लिस्ट में, कल मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी अलॉन्ग विद दृश्यम 2, भूल भुलैया द्वितीय, वो सारे के सारे फिल्मों का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर पठान ने तोड़ दिया। दृश्यम 2 हाईएस्ट थी, 1.16 लाख टिकट सोल्ड, 83 1.17 लाख, उसके बाद ट्रिपल आर 1.05 लाख, भूल भुलैया द्वितीय 1.03 लाख, सबका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में, वो भी आज फुल फ्लैग शुरू हुई है, पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब पठान के पास सामने क्या है, एंड रात होते होते आज डेफिनेटली 2,00,000 टिकट्स विल बी सोल्ड, रुपए नहीं है, इन पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बैरोमीटर है जहां पर यू नो बॉक्स ऑफिस जो हम भाप सकते हैं एग्जैक्टली कितना आने वाला है। अब गाइज अगला रिकॉर्ड है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र ने पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 3.02 लाख टिकट सोल्ड की थी। पठान रात को 2,00,000 यू नो टिकट जो है वो बेच देगा, यानी कि सैटरडे एंड होते होते या फिर संडे तक पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 3,00,000 टिकट ये बेच चुका होगा। अगला टारगेट है यहां पर अपना सुल्तान, दंगल, दंगल 3.05 लाख टिकट्स है, सुल्तान 3.10 लाख टिकट्स है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान 3.16 लाख से, एंड प्रेम रतन धन पायो 3.40 लाख टिकट्स है, उनके रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तुमको यहां लिखत दे सकता हूं, फिल्म पहले दिन 40 करोड़ रुपए कमाने वाली है, साइन सील्ड एंड डन, देयर इज नो स्टॉपिंग पठान फ्रॉम अर्निंग 40 crore ओनली इन हिंदी, अंडरस्टूड। अगर पीआरडीपी यानी कि प्रेम रतन धन पायो का रिकॉर्ड तोड़ देती है, ओके, ये मंडे तक तोड़ देगी। अब मेन रिकॉर्ड जो है वो अपना बॉलीवुड फिल्म्स का है, यानी कि हिंदी फिल्म्स का है, वो वॉर का रिकॉर्ड है। वॉर ने 4.05 लाख टिकट्स जो है पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस की बेची थी अपने पहले दिन के लिए, जहां पे उसका जो जाइगेंटिक कलेक्शन था 53+ करोड़ का वो उसने अचीव किया था, वो उसका पहला दिन था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 53.35 करोड़ ये वॉर ने पहले दिन कमाया था, जहां पे उसने पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस में 4.05 लाख टिकट बेची थी। ये हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, एंड मुझे लगता है ट्यूजडे रात होते होते पठान विल बिकम द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग फॉर एनी हिंदी फिल्म इन द नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस, साइन सील्ड एंड डन, ये वॉर का रिकॉर्ड तोड़ रही है। एनी हाउ द पेस एट विच पठान इज रनिंग, डेफिनेट फिनी तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब गाइस बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की, तो उसने 5.5
4.15 लाख टिकट्स बेची थी पीवी एनाथन सिनेपोलिस में एंड बाहुबली टू द कंक्लूजन ने 6.50 लाख टिकट्स बेची थी। अब गाइस उनके रिकॉर्ड का टूटते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो डब फिल्म्स थी पहले ही बोल रहा हूँ, एंड ये हमारे पास जो फिल्म है वो हिंदी फिल्म है, यानी कि पठान विल बिकम द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग इन पीवी एनाथन सिनेपोलिस फॉर एनी आउटराइट हिंदी फिल्म। ऑल जो सिनेमा घर है यानी कि सिंगल स्क्रीन प्लस मल्टीप्लेक्सेस, उसके डेटा आप एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हो। ये स्पेशल एपिसोड जो बनते हैं वो सिर्फ पीवी एनाथन सिनेपोलिस के लिए। अब गाइस मेन शॉट क्या है यहाँ पर, पठान क्यों ये कर सकता है, 7 बजे का शो है फ्राइडे को, अब क्या होने वाला अगले दिन का धमाका, जो हमने अच्छे 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर मुंबई में जो फैशन बन चुका है, स्पेशली अहमदाबाद में भी फैशन बन चुका है कि जो पिक्चर पहले दिन बाप बिजनेस करती है सैटरडे को ऑटोमेटिकली रात के 12 बजे, सुबह के 2 बजे यानी कि रात के 2 बजे, सुबह 5 या सुबह 6 बजे के शो चालू हो जाते हैं। पठान के सैटरडे को 12 AM शो स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ पर, फ्राइडे 11:50 वेडनेसडे रिलीज हो रही है, तो वेडनेसडे 11:59 PM के शोज है, लेकिन सैटरडे थर्सडे अगला दिन आएगा। भैया बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई, वेडनेसडे थर्सडे में, तो वेडनेसडे 11:59 PM का शो है, लेकिन थर्सडे यानी कि 26 रिपब्लिक डे जो है वहां पर भी इस फिल्म का 12 AM का शो लगने वाला है, 12 AM, 3 AM बोरीवली में, मैक्सस में, बयंदर में लगने वाला है, एंड 6 AM के भी शो स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अगर पहले दिन पठान ने 50 करोड़ नहीं टच किया बॉक्स ऑफिस पे, जो कि कर सकता है, रिपब्लिक डे विल सी एंड कलेक्शन नेवर सीन बिफोर, शायद 55 करोड़ पॉसिबल। तो क्या हम पठान के लिए ये कह सकते हैं कि पठान वो फिल्म बन जाएगी जो 2 दिनों में 100 करोड़ कमाएगी? बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, आई डोंट वांट टू जंप द गन ओवर हियर, लेकिन मेरा दिल जो कहता है मैं वो बोलता हूँ यहाँ पर। आई फील आई कैन सेंस 100 CR नेट कलेक्शन फ्रॉम पठान इन 2 डेज। पहला दिन लेट्स सी कहाँ लैंड होता है, दूसरा दिन इसको कैसे भी 50 करोड़ के पार ले जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक डे भैया पूरा पॉपट कर रहा है, रिपब्लिक डे जो है वो उसको कहीं भी ले जा सकता है। सो गाइज दिस इज ह्यूज, आई एम गेटिंग गूज बम्स, क्योंकि गाइज बॉक्स ऑफिस एक्साइट्स मी लाइक नथिंग एल्स। ओके एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल।